हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्पीच पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी जोर जबरदस्त के साथ चल रही होगी। आज हम देखेंगे अमल और क्षार और लबड़ का अगला पार्ट। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, और जाकर के अगर देखा नहीं है तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। क्षारक जो है, ये इसका परिभाषा अगर देखा जाए तो ये स्वाद में क्या खट्टा होता है, स्वाद में ये क्या होता है, कड़वा होता है। जो अमल क्या होता है, वो खट्टा होता है, तथा इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारक जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है और इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। जबकि अम्ल जो होता है, जो अम्ल जिसे कहते हैं, ये स्वाद में खट्टा होता है और उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगर पीएच मान 7 पे पहुंच जाता है तो उसके 7 से ऊपर यानी शून्य हो जाता है पीएच मान, तो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और 7 से ऊपर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। इसका उदाहरण देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्षारक के प्रकार देखें तो क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, पर्वत क्षारक और दुर्बल क्षारक। पर्वत क्षारक ये अपनी जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। दुर्बल क्षारक ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी थोड़ा सा आयनित हो जाते हैं, हमेशा के लिए आयनित नहीं होते हैं। अतः इनके जलीय विलयन में अणु आयनित दोनों होते हैं। और ये उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड। पर्वत क्षारक जानते हो क्या होता है, इसमें जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, जबकि दुर्बल क्षारक जो होते हैं ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण क्षारकों और उनके उपयोग देखा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CA और OH2, इसका उपयोग विरंजक पाउडर के निर्माण में होता है। ये पुताई करने वाले चूने में होता है। जलों को स्वच्छ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटी एसिडिक दवा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग विरंजक पाउडर बनाने के लिए, पुताई करने के लिए पुताई वाले चूने में प्रयोग करते हैं, जलों को स्वच्छ करने के लिए, और एंटी एसिडिटी के रूप में भी इसे प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात किया जाए तो चीनी के उद्योग में करते हैं। सौंदर्य प्रावधान बनाने के लिए किया जाता है, यानी पेट के गैस से संबंधित दवाओं बनाने के लिए आज जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी पेट के गैस से संबंधित दवाओं बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा अगर देखा जाए सोडियम के, इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी है। इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में अथवा धातुओं से ग्रीस हटाने का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में शैम्पू, साबुन और शेविंग क्रीम बनाने आदि जगहों पर इनका किया जाता है। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक सूचक क्या है। वह सूचक जो, कहने का मतलब सूचक जो शब्द वो चीज़ होता है जो हमें क्या करता है, जिससे हमें अम्ल और क्षार बताने का काम करते हैं। अम्ल और क्षार, उदासीन, ये बताने का जो चीज़ है हम उपयोग में लाते हैं, जिसका परख करने या जाँच करने के लिए, उसी को हम लोग सूचक बोलते हैं। तो सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक होता है, एक कृत्रिम सूचक होता है। कृत्रिम प्राकृतिक सूचक जो होता है, जो हम सीधे प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। कृत्रिम सूचक जो होता है, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा मशीनें बनाई गई हैं या और कोई सिस्टम बनाया गया, बहुत सारे हो गया। तो प्राकृतिक सूचक के बारे में बात की, वह सूचक जो पौधों अथवा प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे हल्दी और लिटमस। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, लिटमस जो हम देखेंगे प्राकृतिक सूचक है। यह अम्ल के साथ लाल हो जाता है तथा क्षारक के साथ नीला हो जाता है। चित्र में हम देखेंगे अम्ल का एक बोतल लिया हुआ है जिसमें हमारा अम्ल भरा हुआ है। इसमें क्या रखेंगे, जब हम लिटमस देखें, नीले लिटमस को जब लाल में अम्ल में डिबोते हैं तो नीचे देखिए लाल हो गया, लेकिन जब इसको क्षारक में डिबोता जाता है तो ये नीला हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए हमने यहाँ क्षारक लिया है, क्षारक में हम सरफ का घोल भी कर सकते हैं, वो क्षार होता है, क्षारीय होता है। तो देखिए यहाँ नीचे हमारा क्या होगा, नीला दिखाई देता है। अगला बात किया जाए, हल्दी या अम्ल के साथ पीला तथा क्षारक के साथ लाल हो जाता है। देखिए आप लोग अम्ल के साथ, तो हम अम्ल के साथ अगर हल्दी को डालेंगे तो और पीला होता चला जाएगा, लेकिन अगर इसको हम क्षारक के साथ मिला देंगे तो क्या होगा, इसको जब क्षारक के साथ हम मिलाएंगे तो यह लाल हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कपड़ा, जब हम लोग क्या करते हैं, कपड़े में कभी लाल रंग क्या लग जाता है, हल्दी लग जाता है, तो हम उसे सर्फ से धुलते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।